हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड इन लाइफ ऑफ ऑसमो। तो भैया बहुत अरसा हो गया और हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले। हमने कहा यार हम तो मेंढक के कुएं बन गए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि बाहर हो क्या रहे। तो इसलिए जो टिकाऊ किस्म का ट्रिप लग सकता है वो है बाकू का। हमने सारा बोरिया बिस्तर बांधा और हम निकल गए बाकू की तरफ। अब दुबई में हमारा 2 घंटे का लेओवर था। जैसे ही दुबई के लिए जाने लगे तो पता चला भाई पाकिस्तान की तरफ से तो दुबई में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। फ्लाई दुबई का जहाज कम और वो फेसल मूवर्स की बस ज्यादा लग रही थी। अरे भाई देशियों ने तो दुबई को पोर्ट ग्रैंड बना दिया भाई, जब देखो मुंह उठा के चले जाते। खैर जहाज में जब हमने फ्लाई दुबई का लेग स्पेस देखा तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा वाह यार इधर तो एक मैट्रेस आ सकता है। टेक ऑफ के टाइम पे पेट में गुदगुदी तो वैसे ही होती है, लेकिन एक्साइटमेंट के मारे मेरे मन में लड्डू भी फूट रहे थे। स्क्रीन के सामने कार्टूनों की सूरत में अरबी में इंस्ट्रक्शंस आने लग गए। समझ तो कुछ नहीं आया लेकिन बस देख के अच्छा लगा। अरबी में जब अनाउंसमेंट होती थी तो मेरे हाथ बेसाख्ता खड़े हो जाते थे दुआ के लिए। हमें क्या पता यार अरबी बोली जाती है तो हमें तो ये लगता है ना तलावत हो रही है। जैसे हम बाकू पहुंचे तो हमने करा ली टैक्सी। अब टैक्सी वाला कोई 2 नंबर नहीं 3 नंबर आदमी था, वो हमें ठगने लग गया। 6 मन्नत का बिल आया, वो हमसे 16 मन्नत मांगने लग गया। मैंने कहा हेलो भाई किसे ठग रहे हो, मैं खुद तारजन हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। नहीं दिए फिर मैंने उसको 10 मन्नत, जितने बनते थे उतने ही दिए। मैंने कहा करना है तमाशा कर ले भाई। इस तरह से हम अपने होटल पहुंचे, होटल अल्टस। बड़ा ही टिकाऊ किस्म का ये होटल था और इसका बजट भी जेब फ्रेंडली था। रिसेप्शन पे जब हम पहुंचे तो पता लगा भाई रिसेप्शन की अंग्रेजी जो है उसकी दोनों टांगे नकली। और जनरली यही मैंने पाया कि यहाँ के जो लोग हैं उन सबकी अंग्रेजी पंक्चर ही है, वन वर्ड में बात करते हैं फिर समझ आई तो ठीक है, नहीं तो वालेकुम अस्सलाम। प्यारे से चुचू से क्यूट से हमको रूम मिला जिसका मैं अभी आपको टूर करा रहा हूँ। आप जैसे ही अंदर घुसते थे और आपके लेफ्ट पे आती थी एक छोटी सी कुची सी अलमारी। अलमारी इतनी थी कि 4-5 दिन अगर रह रहे हो वहां पे तो फिर ठीक है, ज्यादा होंगे तो कपड़े फटके बिस्तर की तरफ आ जाएंगे। सामने एक टीवी लगा था जिसपे सारे टीवी चैनल्स अजेरी में ही थे, लेकिन फिर भी उस टीवी को मैंने खूब देखा क्योंकि समझ तो कुछ नहीं आ रहा था लेकिन देख के अच्छा लग रहा था। फिर हमारे कमरे में थी सामने खिड़की जिसका दीवार फेसिंग व्यू था। जैसे हमें ये अंदाजा हुआ फिर उसको खोलने की जहमत भी नहीं की। पहला जो मसला मैंने फेस किया कि इनके जो स्विच बोर्ड है उसमें हमारे मैकबुक का फुल थ्रू जाता ही नहीं है। फिर उसका फुल थ्रू हम साइड मार्ट से लेके आ गए और पहली हरकत हमने ये की कि वहां पे ट्रिप एडवाइजर खोला और सिटी टूर करने के लिए कोई गाइड बुक कर लिया। मेरी आंखें उस टूरिस्ट गाइड की राह ही तक रही थी, अक्खियां उड़ीक रही थी कि टूरिस्ट गाइड साहब भी आ गए। हम जैसे उसकी गाड़ी में बैठे तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार भूख बड़ी लगी है, कुछ खाया पिया नहीं है ठीक से। मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ पे कोई दस्ती किस्म का खाना पकड़ा दे जिसको खाते खाते हम अपने सफर पे चले। उसने बोला कि भाई ये जो डोनेर है यहाँ पे डोनेर ही खाया जाता है अगर दस्ती खाना पकड़ना है तो, यानी कि डोनेर उनका अंडे वाला बर्गर है। और यकीन मानो जब मैंने उसको पैक करा के खाया तो वो क्या मस्त डोनर था यार, वो डोनर नहीं वो विकी डोनर था। सीधी सीधी ट्रैफिक देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई 70 नहीं आ रही ट्रेन उड़ रहे करके जो आपके बुंड में घुसने की कोशिश कर रही हो, सब सही चल रहा है, साफ शफाफ किस्म का माहौल है। सड़क पे कोई गुटके या मावे से नक्शे नहीं बने हुए, कोई रेडी वाला नहीं है जो चिल्ला रहा हो कि लाले माले, पुरसुकून किस्म का माहौल है और तमीज से सब चल रहे हैं। उसके बाद गाइड हमें बाकू की अजरबैजान की ओवरऑल हिस्ट्री बताने लग गया कि भाई ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ को जाएगा, सब बताने लग गया। ये चीज़ मैंने जरूर नोट की कि वो लोग इंतहाई पोलाइट हैं, मतलब वो बहुत शरीफ चूचे किस्म के बच्चे हैं यार। इधर आ जाएंगे हम तो उनको बेच के खा जाएंगे। ये हैं यहाँ के अल मशहूर फ्लेम टावर्स। इनमें से एक बिजनेस सेंटर है, एक होटल है और एक रेजिडेंस है। इन तीनों बिल्डिंग्स की शेप ऐसी है कि जैसे ये कोई दहकती आग है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। प्री इस्लामिक जमाने में यहाँ पे आग की पूजा की जाती थी, ज़ोरोस्ट्रियंस लोग यहाँ पे रहते थे जो आग की पूजा करते थे। खैर इस तरह हमें वो भाई साहब लेके आ गए मार्टियर्स लेन। सोवियत ने अजरबैजान पे अटैक किया जिसमें सिविलियंस भी मर गए, सोल्जर्स भी मर गए। इनकी पहली नगोर्नो कोरबाख की जंग में पाकिस्तान और टर्की ने इनकी हेल्प की थी और अर्मेनिया से जो इनका लैंड का फड्डा था उसमें अजरबैजान को जिताया। इन सारे शहदाओं की जो बॉडीज हैं वो ऊपर किसी हिल पे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका एक मेमोरियल है। मेरे ख्याल से यही वजह है कि पाकिस्तान को ये लोग बहुत इज्जत से देखते हैं, टर्की और पाकिस्तान को ये अपना बड़ा भाई समझते हैं। हम इनके ट्रूप्स को भी ट्रेन कर चुके हैं। भाई लड़ना तो हमें बखूबी आता है ना, प्रोटेक्ट करना हमें सही से आता है, वो उसका टेंशन नहीं है भाई। खैर इन सिविलियंस को सोल्जर्स को इस तरह देख के एक एहसास होता है कि कभी कभी इंकलाब कुर्बानी मांगता है। अब ये कड़वी सच्चाई है लेकिन यही है। और उन्हीं की याद में जहाँ पे जो जगह जगह आग लगी हुई है ये उसको कभी बुझने नहीं देते। फिर हम आगे जी हाईलैंड पार्क, ये बहुत पॉपुलर लोकेशन है, बड़ा मस्त किस्म का पैनोरामिक व्यू आता है पूरे बे का। ये जो आप सी देख रहे हैं ये कैस्पियन सी है, असल में ये पूरी लेक है जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। हाँ जी हवाएं बहुत चलती रहती है यहाँ, बहुत हवाएं चलती रहती है, इतनी हवाएं कि आवाजें समझ नहीं आती किसी की। 4 कदम दूर खड़ा हुआ
बंदा अगर इंतकाम बोलता है तो हमें एहतलाम सुनाई देता है। फिर जी हम आ गए इनके मशहूर डेनिस मॉल के सामने। अब हम शॉपिंग वापिंग तो करके गए थे और अभी सिटी टूर चल रहा था, तो हम नहीं गए उसके अंदर, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं हम बाद में, हमने कहा चले जाएंगे। और हाँ जी, यहाँ पे आप सस्ते में वेनस के मजे भी ले सकते हो क्योंकि इनके पास है मिनी वेनस। मैं कहा भाई मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी चढ़ना है। जैसे मैं टिकट लेने गया तो उन्होंने कहा चल पुत्र छुट्टी कर, अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी पोए ऑयल भी खत्म हो चुका है बोट्स में, तो निकल जा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, रात को जरूर आऊंगा। तो भाई सारे पैसे जो हैं वो माहौल के हैं, ये ठंड माहौल मीठे चौल जो है ना उसी के ही तो सारे पैसे, मतलब कोई टेंशन नहीं है ना, कोई हीरोइनची आके गटर का ढक्कन नहीं निकाल के जाएगा। और क्लासिकल म्यूजिक तो हर जगह बस चल ही रहा है, चल ही रहा है। मोस्टली बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर यूरोपियन है। अगर इनका सख्त कसम का कल्चर देखना है तो फिर आपको घुसना पड़ेगा ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी लाहौर की तरह एक वॉल्ड सिटी है। मजे की बात कि अभी तक लोग इस ओल्ड सिटी में रहते हैं, और जो लोग अपनी दौलत के चौड़े कराते हैं कि भाई हमारे पास पैसा बहुत है, वो बैल्कनीज बहुत बड़ी बना देते हैं। बिगर द बैल्कनी ग्रेटर द वेल्थ। इस ओल्ड स्ट्रीट में वॉक करते बहुत मजा आ रहा था, ऐसा कोई फीलिंग आ रही थी कि आप पास्ट में गए हो और आप फ्यूचर से आए हो, मस्त किस्म का माहौल था। बहरहाल इन्होंने अपना हेरिटेज को जिंदा ही रखा है। फिर जी पता चला कि यहाँ पे बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे ख्याल से ये तो हर जगह के लिए सही है। आई मीन कम ऑन, हु डजंट लव पुसीज। तो उनके यहाँ पे मजे होते हैं, वो यहाँ पे चिल कर रही होती है, सब उनको प्यार करते हैं। आगे गए तो हमें एक मुल्तानी करवन सराई मिली। करवन सराई स्टॉप को बोलते हैं। पुराने जमाने में जब लोग ट्रेड करने आते थे तो इस जगह पे रुक जाते थे। हाल वे भक्त मुल्तानी होटल देख के मेरा तो हाँ ठर गए। मुझे एक बात की खुशी हुई कि मैंने टूर गाइड को बुक किया, क्योंकि ऐसे मैं बस घूमता रहता, तस्वीरें तो आ जाती, कुछ पता ना चलता। तो जी ये है यहाँ का एक और मशहूर एम्बलम, दी मेडिन टावर। साइंस ये कहती है कि ये ज़ोरोस्ट्रियंस का ही था, उनका ये फायर टेंपल हुआ करता था। अब इसको लेकर कुछ तकरीबन 20 लेजेंड्स हैं कि जी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। कोई कहते हैं कि यहाँ पे वर्जन लड़की ने सुसाइड की थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल आओ आपको एक करवान सराई के अंदर विजिट करवाता हूँ। ये है 12th सेंचुरी की करवान सराई, जो कि अब एक रेस्टोरेंट बन चुकी है। भाई देखो मुझे यहाँ का खाना समझ नहीं आया, अब इसमें मेरी गलती नहीं है यार, मेरे जो टेस्ट बढ़ रहे हैं वो सही कराची हलीम वाले, अब मैं क्या करूँ। ये वो जगह है जो पहले बेडरूम हुआ करती थी, आज तो ये रेस्टोरेंट बन गया है और यहाँ पे खाना सर्व होता है। बस मैं उधर जहाँ भी घूम रहा था तो मैं अपने पाकिस्तान को कंपेयर कर रहा था, हमारे पास भी तो ऐसी बहुत कहानियां हैं, तो हमारे पास भी तो टूरिज्म होनी चाहिए और लोग भी तो तमीजदार है ना, यहाँ पे तो अपने लोग ही ले रहे होते हैं। 2020 की रिपोर्ट है कि भाई लाहौर शाही किले में एक फंटर आया, उसने राजा रंजीत सिंह के स्टैचू का हाथ तोड़ दिया। अब आगे मुझे नहीं पता उस लौंडे के साथ क्या हुआ, लेकिन अगर ये बात मेरे बस में होती तो मैं वही हाथ उसके अंदर दे देता, कोई मसला नहीं भाई, चलाए वो एक हाथ से काम चलाए राजा रंजीत सिंह, हमने भी तो चलाया बहुत ज्यादा, ठाकुर के तो दोनों नहीं थे। भाई मस्जिदें यहाँ पे बहुत प्यारी हैं, लेकिन लोग इतने रिलीजियस नहीं है, दारू भी खुले आम पी रहे होते हैं, हर जगह पे पेप्सी की तरह दारू चल रही होती है। वो कोई किसी को जज नहीं करता, जिसने नमाज पढ़नी है वो जाए नमाज पढ़े, जिसने दारू पीने जाना है वो जाके दारू पिए, कोई जज वज नहीं कर रहा है। यानी कि उन सब की उंगली जो है वो उनके पास है, अपने पास रखी हुई उन्होंने। हमारा मसला ये है कि हमारी जो उंगली है वो दूसरे के टोई में, तू क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। जिस दिन ये उंगलियां हमने अपने पास रखी सब सेट हो जाएगा। भाई वहां पे मुझे नस काटने वाली आवाम भी मिली, जिसने प्यार के पैगाम लिखे हुए थे दीवार पे। ये निब्बा निबी की कहानी जो है ना ये बहुत पुरानी, हर जमाने में हर जगह पे कोई ना कोई निब्बी किसी ना किसी काशिफ के लिए हार्पिक पी रही है। फिर जी हम आ गए शिरवन शाह पैलेस में। 1861 से लेके 1538 तक रूल करने वाले यहाँ के मशहूर शिरवन शाह बादशाह, और उन्हीं के जमाने में लिटरेचर ने बड़ी तरक्की की, निजामी भी उन्हीं के दौर का था। ये सामने जो आप बुलेट होल्स देख रहे हैं ये सोवियत्स का ही करा कराया है, और गाइड ने बताया कि भाई अंदर से सारी चीजें चोरी भी करके ले गए वो। ये किताबें जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे छोटी छोटी किताबें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस म्यूजियम का नाम है। मिनिएचर बुक्स कहते हैं इनको, इनको कोई पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी फनकारी बस सिर्फ फनकारी के लिए होती है, खूबसूरती के लिए होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली, जैसे कि ये सादर सराय यानी पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, ये यहाँ के एक मशहूर ऑयल मिलीनियर मुख्तारोव ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। वो अपनी बीवी को मेरी तरह महंगे महंगे ट्रिप्स पे लेके जाता था यूरोप, खैर मैं यूरोप नहीं लेके गया, लेकिन महंगे महंगे ट्रिप्स पे लेके जाता था। उसकी बीवी को वहाँ का आर्किटेक्चर पसंद आ गया, इसने अपनी बीवी के लिए ये महल बना दिया। खैर मैंने अपने बेगम को रोका कि देखो उसको ज्यादा देखने का नहीं है, मैं ऐसा नहीं बना सकता, हम 5 मरले घर में रहते हैं। ये है यहाँ के मशहूर शायर निजामी का स्टैचू, और हम हैं अभी निजामी स्ट्रीट में। निजामी समझ लो यहाँ के बाबा बुल्ले शाह, जिन्होंने शायरी में लिटरेचर में अवूर हासिल किया है। मैं भी चाहता हूँ मेरे मरने के बाद ऐसा कोई चौक आए, कोई चुरंगी
चौकड़ी आए, ऐसी कोई स्ट्रीट आए जिसका नाम हो भाऊ रामी स्ट्रीट, और वहां पे ओपन माइक्स हो रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही हो, क्या बात। ए दादा ये वसीयत लिख लो यार अपनी, ये वसीयत है। निजामी स्ट्रीट एक पेडेस्ट्रियन, एक शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पे हर नस्ल, हर जात, हर सांचे से लोग आए होते हैं। जगह जगह आर्ट वर्क लगे हुए हैं, जैसे कि ये चेक कर लो। अब इसमें भाई ये बता रहे हैं कि एक औरत प्रे कर रही है, दूसरी औरत सर्व कर रही है, और तीसरी जो इस ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रही है। यानी कि औरतों को इस तरह बांध के ट्रैप में मत रखो। और जेन्युइन सी बात है, आजादी तो यहाँ पे आके फील होती है, स्पेशली औरतों को। मुझे भी कोई टेंशन नहीं हो रही कि मेरी बेगम को कोई घूर रहा है। इमारतें भी ऐसी हैं कि उनमें कुछ इनोवेशन है, कुछ नहीं है। माचिस की डिब्बियां नहीं लग रही, यूनिक स्ट्रक्चर है। ओल्ड सिटी का सफर तो यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि भाई रात को आऊंगा और मिनी वेनस का टूर तो करूंगा, तो फिर हम आ गए जी मिनी वेनस के लिए रात के टाइम। हमने कहा हाँ भाई, पोए ऑयल डाल के रखा है ना, निकालो फिर अपनी नैया को, हमें घुमाओ ये जरा मिनी वेनस। सामने हमारे फ्लेम टावर्स लिट किस्म के जल रहे थे एक दहकती आग की तरह, और दिल से एक काश निकल रहा था कि काश हमारे मुल्क चलाने वाले भी सच्चे हो जाएं। और म्यूजिक की बात की जाए तो इनका क्लासिकल म्यूजिक हर जगह चल ही रहा होता है, कोई वेस्टर्न, कोई कहानियां वेस्ट, कोई वीकेंड, संडे मंडे फ्राइडे नहीं चल रहा होता भाई, अपना ही चलता है म्यूजिक इनका। तो हम अपनी गोंडोला पे बैठ गए, अपनी लेडी को बड़े जेंटलमैन की तरह बिठाया और सफर शुरू कर दिया। बाय द वे इस सफर के लिए हमारा साथ जिसने दिया है उसका नाम है पाक एयर ट्रेवल्स। हमारी सारी परेशानियां उन्होंने ही मोल ले ली, ये जहाज की टिकटें, ये वीजा, ये बुकिंग सब कुछ उन्होंने किया। तो भाई थैंक यू पाक एयर ट्रेवल्स, आप भी उनकी सर्विसेज यूज करके देख लो, मजा आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया। मस्त किस्म की राइड हमने एंजॉय की। नोट किया कि पानी का कलर सियान है। अब आपको हरू भरू की साइंस की इंफॉर्मेशन देते हुए चलूं, पानी जो है वो रेड, येलो और ऑरेंज को एब्सॉर्ब कर लेता है और ब्लू ग्रीन सियान को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए उसका कलर ऐसा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर यूरोप से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इनके पास मिनी वेनस भी है। गोंडोला के सफर करते हुए भाई दिल से आवाज निकली कि बाऊ रामी राजा जी मैं बाऊ रामी। अब बाकू बुलेवार्ड में एक ही चीज रह गई थी। अब आपको पता है कि अंदर के मजे तो मैंने सारे ले लिए, लेकिन ऊपर से मजा लेने का मजा ही फिर कुछ और है। उन्होंने कहा ऊपर से मजा तो हमें लेना है, और हम चले गए बाकू आए। लेकिन जैसे हम बाकू की आंख की तरफ गए तो माँ की आंख वो तो बंद हो गया था, 10:30 बजे वो बंद हो जाता है। हमने कहा शेट यार, चल कोई नहीं, फिर से आ जाएंगे कभी। और इस तरह से एक दिन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इनके नथिया गली और मरी भी हम गए थे, वो आएगा दूसरे ब्लॉग में, जिसको ये लोग गबाला बोलते हैं। उस ब्लॉग के लिए इंतजार करो। अगर ये पसंद आया तो भाई इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को ठोक ठोक के सब्सक्राइब करो, सबको बताओ। कुछ नए दिखाने के चक्कर में बहुत खर्चा हो गया भाई, ये देखो जेबें कोई फूटी कोड़ी नहीं बची। सब्सक्राइब ठोको और सारे दोस्त यारों को बताओ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो फिर लिटरली गो एंड लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे दया।